लोग कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मगर देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो धर्म रूपी काठ की हांडी बार बार चढ़ाना चाहती है। जरा पता करिए उस काठ की हांडी में कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रियों की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में पड़ने वाले जो दुकानें होती हैं, जो उन दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने की आदेशित कर दिया गया है, सरकारी तौर पर आदेश कर दिया गया है नेम प्लेट लगाने के लिए। इस नेम प्लेट से क्या फायदा होगा? क्या लोगों को ये पता लगेगा कि कांवड़ यात्रियों को ये पता लगाने के लिए है, वो पता कर पाए कि कौन मुस्लिम की दुकान है, कौन हिंदू की दुकान है? ये क्या फायदा होगा इन नेम प्लेट से? आदरणीय योगी जी, कल की डेट में आप जातियों के नाम भी लिखवा देंगे क्या? पिछड़े और दलितों की दुकान से भी कांवड़ यात्री नहीं कुछ खरीदेगा क्या? क्या आप पिछड़ा विरोधी हैं? क्या आप दलित विरोधी हैं? कल की डेट में आज धर्म का नाम लिखवा रहे हैं, कल आप जातियों का नाम लिखवाएंगे? किस तरीके से इस यात्रा को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो लोकदल भी इसका विरोध कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड भी विरोध कर रहा है इस संविधान विरुद्ध काम का। और इससे हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है। अगर शासन प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रियों को ननवेज से बचाना था, मांसाहार से बचाना था, तो दुकान पर दुकानदारों का नाम लिखवाने से अच्छा था कि उस पर वेज और ननवेज लिखवा देते। क्योंकि आम में कोई क्या मिला सकता है? क्या आम में अंडे मिक्स कर देगा या आम में मांसाहार मिक्स कर देगा? क्या कर देगा? आम तो आम ही होता है ना। तो इस पर नेम प्लेट लिखवाने की क्या जरूरत है? और नेम प्लेट से क्या फर्क पड़ेगा? मांसाहार तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, शाकाहार भी हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रियों को वेज और ननवेज से बचाने का ये प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ अलग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का कनेक्शन लखनऊ से दिल्ली तक का है। एक दूसरे को सरकार से हटाने तक का इस प्रोग्राम का अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दूसरे का सरकार से हटाए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है कि योगी की कुर्सी खतरे में है। तो क्या योगी ही तो नहीं खिचड़ी पका रहे हैं कि हमारी कुर्सी खतरे में पड़ी है? इससे पहले ही जो खतरे में डाल रहा है उसकी कुर्सी को ही हटा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी सफल हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की में मोदी की गारंटी असफल हुई थी। और इस असफलता को छुपाने के लिए ही अलग अलग प्रकार से खिचड़ी पकाया जा रहा है। मोदी की गारंटी कि योगी की कुर्सी को खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में, उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन एक खतरे वाला समस्या अब आगे बढ़ चुका है और विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि महामानव तो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी गारंटी चली, उसकी क्रेडिट महामानव को जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी गारंटी फेल हुई, इसका क्रेडिट महामानव को नहीं जाता है, क्योंकि महामानव तो नॉन बायोलॉजिकल है ना। मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। महामानव की इस असफलता को ही छुपाने के लिए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से ही योगी सरकार को हटाने की सरगर्मी बनी हुई है। भारत में बीजेपी का हिंदुत्व तो खतरे में है, और इसे खतरे से निकालने के लिए बीजेपी फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रहती है। इतना सांप्रदायिक अर्थ जिस पार्टी के विचार हैं, उस पार्टी के महामानव तो हिंदू धर्म को धर्म भी नहीं मानते हैं। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। बीजेपी की इस सांप्रदायिक चाल को अब सभी लोग समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव में जो धार्मिक नगरियां थी, महत्वपूर्ण धार्मिक नगरियां थी, उन धार्मिक नगरियों में सबसे पहले बीजेपी के कैंडिडेट हारे और बीजेपी वहां से सबसे पहले हारी। अर्थात इसका मतलब ये है कि बीजेपी की फर्जी धार्मिक राजनीति को लोग अब समझ गए हैं, और बीजेपी की धार्मिक राजनीति में के चक्कर में पड़ने वाले लोग हैं नहीं। फिर भी ये सांप्रदायिक मुद्दे क्यों आ गए हैं? कांवड़ यात्रियों के संबंध में सब सांप्रदायिक मुद्दे क्यों आ गए? तो सांप्रदायिक मुद्दे धर्म से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। धर्म तो एक बीच में माध्यम बना दिया गया है, क्योंकि धार्मिक खिचड़ी पकाना ही जानती है ये पार्टी, तो ये धर्म को एक बीच में माध्यम बना दिया गया है। और धर्म के नशे में और धर्म के सहारे ही एक दूसरे की कुर्सियों पर खींचातानी चल रही है। तीरें खींची हुई, कमान खींचा हुआ है एक दूसरे की कुर्सियों पर। अब देखना यह है कि किसकी कुर्सी पहले गिरती है। हर साल कांवड़ आती है, हर साल लोग रहते हैं, और हरिद्वार से ही मुसलमानों का सहयोग इसमें शुरू हो जाता है। जिस कांवड़ को वो लेके आते हैं उसको
काम, उसको सजाने का काम अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, वो उनकी रोजी रोटी है, वो हम का थोड़ी करते हैं, वो जो कावड़ लेके आते हैं वो थोड़ी कावड़, ये कावड़ बनाता कौन है। दूसरा, जो तमाम रास्ते में आप चलते हैं, जो भी संसाधन आप यूज करते हैं, उन संसाधनों में 80% योगदान मुस्लिम समुदाय के लोगों का होता है। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनकी सियासी रोटियां कैसे सीखेंगी अगर ये शांत बैठ जाएंगे? तो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना चाहिए कि 2013 के बाद मुजफ्फरनगर, शामली, जो मेरठ का एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया बन चुका है। और यहाँ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे दूसरे नेता हों, उनकी दुकानें इसी पे चलती हैं, हिंदू मुस्लिम मामले पे ही। अगर ये मामला नहीं होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो क्या करेंगे? बीजेपी की धार्मिक राजनीति को लोग इस कदर समझ गए हैं कि अब बीजेपी के नेता ही बीजेपी की इस प्रक्रिया पर विरोध करने लग गए हैं। और एक दो नेता नहीं, कई नेता, बीजेपी के कई नेता बीजेपी के ही विरोध में उतर आए हैं। तो इतना होने के बाद भी क्या एक सांप्रदायिक राजनीति केवल है? नहीं, यह योगी आदित्यनाथ की चाल हो सकती है। ये हो सकता है कि आप हमें हटाएं, इससे पहले हम आप ही को हटा देते हैं और आप ही की कुर्सी खत्म कर देते हैं, सरकार ही गिरा देते हैं, ताकि न सरकार रहेगी नहीं तो आपकी चलेगी नहीं और आप हमें नहीं हटा पाएंगे। एक बात और है कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोदी बैसाखी पर है, कहीं मोदी को बैसाखियों से गिराने की लखनऊ वालों की चाल तो नहीं, क्योंकि इस सांप्रदायिक फैसले का एनडीए के साथ ही विरोध करने लगे हैं। यहाँ तक कि मोदी के अपने हनुमान चिराग पासवान ने विरोध कर दिया है, क्योंकि इस समय मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दो बैसाखियों के सहारे ही चल रही है। मोदी का नाम लिए हुए मोहन भागवत ने उस नन बायोलॉजिकल परमात्मा के अवतार के बारे में कुछ कहा है, जरा सुनिए। होते अति मानव सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, तो वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहाँ से भी आगे कुछ है ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। तो कांवड़ यात्रियों से संबंधित ये मुद्दे असल रूप में धार्मिक मैटर है ही नहीं, असल रूप में एक दूसरे की कुर्सी पर खींचातान है, दोनों एक दूसरे की कुर्सी के लिए खतरा बने हुए हैं। और देखना यह है कि सबसे पहले किसकी कुर्सी जाती है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है या उनको हटाने से पहले ही बैसाखी को गिरा करके और मोदी की सरकार ही गिरा दी जाती है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाएंगी।